Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome back to the Urban Ideas. टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा कि ये वीडियो में मैं आपके साथ मैक्सिकन बोल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, पर अपने एक अलग ट्विस्ट के साथ। उसे देखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सबसे पहले मैं एक पेस्ट ग्राइंड कर रही हूँ फॉर राजमा। मैक्सिकन फूड में दे जनरली यूज बीन्स लाइक पिंटू बीन्स, ब्लैक बीन्स। आप राजमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राजमा या बीन्स को कुक करने के लिए आप कुकर में तेल गरम कीजिए और हमारा बनाया हुआ पेस्ट कुक कीजिए। मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल केवल शूटिंग के लिए किया है, क्योंकि आप सबको दिखाना बहुत आसान हो जाता है। पेस्ट थोड़ा लंबा टाइम लेगा कुक होने के लिए, क्योंकि हमने उसमें रॉ अनियन एंड टमाटो यूज किया है, और अनियन थोड़ा लंबा टाइम लेता है कुक होने के लिए। एक बार पेस्ट कुक हो जाए उसके बाद हम उसमें सोक बीन्स और राजमा डाल देंगे। मैंने राजमा को ओवरनाइट सोक किया था मिनिमम फॉर 8 hours। राजमा को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें पानी ऐड करना है। एंड वन टिप, अगर हम उसमें अभी सॉल्ट डाल देंगे तो राजमा सॉफ्ट होने में टाइम लेंगे। हम मसाले और सॉल्ट एंड में डालेंगे। लेट इट कुक फॉर अ वाइल। अगर आप सब कुकर में बना रहे हैं तो आप राजमा को मसाले और सॉल्ट डालकर 4 से 5 सीटी बजने तक कुक कर लीजिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट रेसिपी, मैक्सिकन सिलेंट्रो लाइम राइस। मैक्सिकन सिलेंट्रो लाइम राइस के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो राइस को एक अलग ही फ्लेवर देंगे, वो है एक ताज़ा हरा धनिया का पत्ता और दूसरा लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट हमें नींबू के छिलके को खींच कर मिलता है, बट ध्यान रखिएगा नींबू के छिलके का सफ़ेद भाग नहीं डालिएगा। चावल बॉईल होने के टाइम हमें नमक, लेमन जेस्ट और आधा चम्मच ताज़े हरे धनिया के पत्ते काट के मिक्स करके उसको बॉईल होने के लिए रखना है। बॉईल होने के बाद जब चावल लगभग पक चुके हो, वो टाइम पे हमें नींबू का रस डालना है। नींबू का रस अंत में डालिएगा, उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। फिर मिक्स करके उसको ढक के रख दीजिए। हमारे मैक्सिकन सिलेंट्रो लाइम राइस रेडी है। मैक्सिकन बोल को कंप्लीट करने के लिए हमें राइस और राजमा के साथ सैलेड भी बनाना होगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं कॉर्न सैलेड। उसके लिए आप कॉर्न्स बॉईल कर लीजिए, फिर उस पर नमक, काली मिर्च, हरे धनिए के पत्ते डाल के मिक्स कीजिए, और उसे डिफरेंट टेस्ट देने के लिए आधा चम्मच चिली विनेगर का इस्तेमाल कीजिए। आपका कॉर्न सैलेड तैयार है। एक बार राजमा को भी चेक कर लेते हैं। चलिए तो बनाते हैं हमारी नेक्स्ट सैलेड रेसिपी, टमाटो सालसा। टमाटो सालसा के लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट है फाइनली चॉप्ड टमाटोस, अनियंस, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, नमक और गार्लिक। सबको अच्छे से मिक्स करके उसमें नींबू का रस डालिए। आपका टमाटो सालसा तैयार है। लेट्स मूव ऑन टू राजमा। उसमें मसाले डाल के कंप्लीट करते हैं। तो उसमें नमक, जीरा पाउडर, चिकन मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और उसमें हल्का सा गार्लिक पाउडर भी डालकर मिक्स कर दीजिए। मैं राजमा को जल्दी कुक करने के लिए कुकर में ट्रांसफर कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग द डिश। सबसे पहले बोल में राइस का एक लेयर स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद राजमा को अच्छे से स्प्रेड कीजिए।
टू गिव इट अ हिंट ऑफ स्पाइस मैंने रेड चिली सॉस यूज़ किया है। ट्रेडिशनली मेक्सिकन बोल में चिपोटले सॉस यूज होता है। उसके बाद मेक्सिकन बोल का मेन कंपोनेंट है ग्वाकामोले। ग्वाकामोले एवोकाडो से बनता है और मैंने इसका वीडियो पहले भी शेयर किया है, सो वो वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद टमाटो सालसा ऐड कीजिए, कॉर्न सैलेड, एंड देन टॉप इट विद सम लेटस लीव्स। अगर आपको लेटस लीव्स नहीं मिलते हैं तो आप कैबेज लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और दिस बोल इज़ इनकम्प्लीट विदाउट चीज़। मैं उस दिन भूल गई थी चीज़ डालना, सो जब भी आप मेक्सिकन बोल ट्राई करें तो चीज़ ज़रूर डालिएगा। और मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पिक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ऑल द हैंडल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।